नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। इसके बाद भारत में भी कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में एशियन देश इस बीमारी को लेकर सचेत होते दिख रहे हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। ऐसे में आज हम आपको सुवर्यो में बताएंगे कि इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा। कोई भी समझदार इंसान ये बात को जरूर जानना चाहेगा कि आखिर इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा क्यों। दरअसल जब सूर्य को ग्रहण लगता है, यानी सूर्य ग्रहण के वक्त जब पृथ्वी सूर्य को पूरी तरह से ढक लेती है तो गोले के रूप में सूरज दिखना तो बंद हो जाता है, लेकिन उसकी किरणों द्वारा हर तरफ फैल रही रोशनी दिखाई पड़ती है जो तेजी से कहीं ब्रह्मांड में विलुप्त होती हुई दिखती है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि ये सूरजमुखी के फूल की तरह की संरचना बन जाती है जो बीच से काली होती है और इसके वृत्त के चारों तरफ नर्म किरणों का प्रकाश फैल रहा होता है, जैसे सूरजमुखी की पंखुड़ियां होती हैं। पृथ्वी की छाया के चारों तरफ फैल रही सूर्य की इस रोशनी को कोरोना कहा जाता है। इसी कारण इस वायरस का नाम कोरोना दिया गया, क्योंकि इसकी बनावट कोरोना जैसी ही है। दरअसल ये वायरस गोल है और इसकी सतह पर पृथ्वी के कोरोना की तरह प्रोटीन की स्टेम्स यानी की शाखाएं उगी हुई हैं, जो हर दिशा में फैलती हुई महसूस होती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।